नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय टीचिंग। इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भाग करना सीखेंगे, भाग कैसे किया जाता है। जैसे देखिए, ये चार है, चार में भाग देना है दो से, तो दो से भाग देना है चार में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं। पहाड़ा एक दो से दस तक तो याद होना ही चाहिए आपको। तो दो का पहाड़ा पढ़ेंगे, उतनी बार पढ़ेंगे कि जितना ये दिया रहेगा उससे अधिक न हो। जैसे दो दो एक में दो, दो दूना चार, दो तिया छः, छः हो गया तो छः नहीं रहना चाहिए, उससे कम, इसके बराबर रहे या इससे कम रहे। तो दो का पहाड़ा पढ़ेंगे तो दो के दो एकन्ने दो, दो दूना चार, कई बार पढ़े हैं दो बार, दो एकन्ने दो, दो दूना चार, तो दो बार पढ़े हैं तो दो यहां लिख देंगे और चार यहां लिख देंगे, ये ऐसे कट जाएगा या फिर यहां जीरो लिख देंगे। अब देखिए, ये 57 है, भाग देना है कितने से, तीन से। अब तीन का पहाड़ा पूरे 57 में नहीं पढ़ेंगे, इसमें पहला अंक देखिए कौन सा है, पांच, पहला कौन है, पांच, पांच में पढ़ेंगे। अब तीन का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि ये पांच से अधिक न हो। अब देखिए, तीन एकन्ने तीन, तीन दूना छ, कितना हो गया, छ हो गया, छ कितना हो गया, पांच से अधिक हो गया, तो ये नहीं जाएगा इसमें। कितनी, तीन दूना छ, दो बार पढ़ेंगे तो छ हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो इससे कम पढ़ेंगे क्योंकि पांच से अधिक है। अब तीन एकन्ने तीन, इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब पांच में से तीन जाएगा तो कितना बचेगा, दो बचेगा, और सात को क्या करेंगे, यहाँ उतार लेते हैं। सात को क्या करते हैं, यहाँ इस तरह से इसको उतार लेते हैं, ठीक। अब देखिए, अब फिर तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी बार ये 27 से ज्यादा न हो। तो तीन के तीन, तीन दूनी छह, तीन तिरी का नौ, तीन चौके बारह, तीन पचे पंद्रह, तीन छक अठारह, तीन सते इक्कीस, तीन वठे चौबीस, तीन नवा सत्ताईस, कितनी बार पढ़ेंगे, नौ बार, और तीन दहा में तीस, तो ये दस बार पढ़ेंगे तो ये तीस हो जाएगा, और नौ बार पढ़ेंगे तो ये सत्ताईस हो जाएगा। तीन नवा सत्ताईस, देखिए ऊपर भी सत्ताईस है, नीचे भी सत्ताईस है, अभी क्या हो जाएगा, दो सात में से सात जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और दो में से दो हो जाएगा तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, और नहीं तो इसको इस तरह से काटते नहीं, ऐसे लिख देते हैं। इस तरह से ये भाग देंगे। एक और देखते हैं, 765 भागे ये पांच, चलिए अब पांच से भाग देना है, कितने में, 765 में, कितने में, 765 में। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले, सबसे पहले ये संख्या, यहाँ पहले अंक, पहला अंक है उसको, ये जो है सबसे पहले उसको देखेंगे, और जितने से भाग देना, जैसे पांच से भाग देना उतने में अब भाग पहाड़ा पढ़ेंगे। अब पांच का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि वो सात से अधिक न हो। तो पढ़िए, पांच के पांच, पांच दूनी दस, दस हो गया, दस क्या है, सात से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, पांच एकन्ने पांच, ठीक। अब यहां से क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, तो सात में से पांच जाएगा तो दो हो जाएगा, और फिर इसमें से ये दोनों अंक नहीं उतारेंगे, सिर्फ एक अंक, क्या करते हैं, एक अंक को उतार लेते हैं, छह यहां है, यहां छह को पहले उतार लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब फिर पांच का पहाड़ा पढ़ेंगे कि ये 26 से ज्यादा
किससे? 26 से। क्या हो? 26 से ज्यादा न हो। और ये पांच का पारा, पांच के पांच, पांच दूनी दस, पांच तीन पंद्रह, पांच के बीस, पांच पचे पच्चीस, पांच छह के 30। तो पांच का पारा छह बार पढ़े हैं तो कितना हो गया है? 30 हो गया है। और पांच का पारा पांच बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? पांच पचे 25। ये कितना है? 26 से कम है कि ज्यादा है? कम है। तो अब इसको क्या करेंगे? छह में से पांच ये घटा देंगे तो एक आ जाएगा, और दो दो में से दो जाएगा तो एक कट जाएगा। अब क्या करेंगे? पांच, अब पांच को यहां उतार लेंगे, ठीक। यहां पे पांच को क्या करेंगे? उतार लेंगे। जैसे छह को यहां पे उतार लिया है, अब पांच को यहां पे उतारेंगे। समझ में आ रहा है? अब पांच का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे कितने में? पंद्रह में, कि पंद्रह से अधिक न हो, कम भले ही रहे। तो पांच के पांच, पांच दूनी दस, पांच तिहाई पंद्रह, पांच चौके बीस, पांच चौके बीस हो गया। लेकिन क्या करेंगे? अब तीन ही बार पढ़ेंगे, पांच के पांच, पांच दूनी दस, पांच तिहाई पंद्रह। अभी फिर पंद्रह आ गया, यहाँ तीन लिख देंगे और यहाँ पंद्रह लिख देंगे। अब देखिए पांच में से पांच जाएगा कट जाएगा, एक से कट जाएगा। इस तरह से हम लोगों को भाग करना है। आइए और देखते हैं। अब देखिए 764 में भाग देना है चार से। 764 भागे चार, चलिए अब भाग दीजिए। क्या करेंगे? पहले सात, अब चार का पहाड़ा पढ़ेंगे कै में? सात में। ये सात पहला अंक है, सात में पढ़ेंगे तो चार का पहाड़ा पढ़िए। चार करने चार, चार दूनी आठ, तो सात से क्या हो गया? अधिक हो गया। तो क्या करेंगे? दो बार नहीं पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे? एक बार। कितनी बार? एक बार। तो चार करने चार, अब कितना? सात में से चार घटा देंगे, कितना बचेगा? तीन। कितना आ गया? तीन। अब क्या करेंगे? ये एक अंक जो है, अभी पूरा 64 नहीं उतार देंगे, अब ये एक अंक है छह, इसको क्या करेंगे? यहाँ पे उतार लेंगे, ये तीर यहां लगाएंगे नहीं। हमने आपको समझाने के लिए इस तरह से बता दिया है। अब चार का पहाड़ा कैम पड़ेंगे 36 में। कितने में? 36 में। तो चार के चार, चार दूनी आठ, चार के बारह, चार चौके 16, चार पचे 20, चार छके 24, चार सत्ते 28, चार अठे 32, चार नवा 36, चार धामे 40। तो चार धामे 40 ज्यादा हो जा रहा है, चार नवा 36। तो हमने बताया कि या तो ये संख्या जितनी रहे उससे कम रहे या उसके बराबर रहे। तो चार नवा 36, ये देखिए 36 ये भी है और ये भी 36 हो गया। अब ये क्या होगा? कट जाएगा। अब ये चार अभी बचा है, चार क्या करेंगे? यहाँ उतार लेंगे, ये चार को उतार लेंगे। अब फिर चार का पहाड़ा पड़ेंगे, चार करने चार, क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। इस तरह से हम लोग भाग करना सीखेंगे और इस तरह से भाग करेंगे। अब देखिए, अब एक से अगर भाग देना है किसी भी संख्या में, एक से, एक से मान लीजिए भाग देना है कितने में? मान लीजिए आपको देना है 35 में। चलिए एक से भाग देना है कितने में? 35 में। तो एक का पहाड़ा पड़ेगा कै में? तीन में। पहला अंक तीन है तो तीन में पहाड़ा पड़ेंगे, कै बार पड़ेंगे? एक का पहाड़ा, एक करने एक, एक दुआई दो, एक तिहाई तीन, एक चौके चार, तो एक चौके चार हो गया और एक तिहाई तीन हो गया, ये कट जाएगा। और फिर ये पांच यहां उतर जाएगा। फिर एक का पहाड़ा फिर पढ़िए, एक इकाई एक, एक दुआई दो, एक तिहाई तीन, एक चौके चार, एक पचे पांच, एक छक्का छ, पांच से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो कब बढ़ जाएगा? पांच बार, एक पचे पांच, ये कट जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ये 35 आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब मान लीजिए आपको 5 से भाग देना है 0 में, चलिए भाग दीजिए, 5 से भाग देना है 0 में, कितना होगा? 5 का पहाड़ा होता है ना, 5 का पहाड़ा 5 × 0, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर क्या होता है? 0। अब 5 से करने 5, ये आपको बताया ही है। अब देखिए, 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 0, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 0। ठीक, अब मान लीजिए 7 से भाग देना है आपको 7 में, 7 से भाग देना है 7 में, तो कितना होगा? 7 करने 7, 7 दूनी 14, तो 2 बार पढ़ेंगे तो 14 हो गया। अब कितना है? 7 करने 7, 7 का पहाड़ा 7 एक बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इस तरह से हम लोग भाग करना इस तरह से करेंगे और घबराएंगे नहीं किसी भी तरह से, और उसको आसानी से करना सीखेंगे। अब देखिए, अब जैसे 51 है, 51 में भाग देना है 3 से, कैसे भाग देना है? 3 से, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, पहले कितने में पढ़ेंगे? 5 में पढ़ेंगे, 3 करने 3, 3 दूनी 6 हो गया, तो 5 से ज्यादा हो गया, तो क्या करेंगे? 5 करने, अरे 3 सॉरी, 3 करने 3, कितना हो जाएगा? 2, 5 में से 3 निकल जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर अब फिर इस एक को क्या करेंगे? हम उतार लेंगे। फिर अब 3 का पहाड़ा 21 में पढ़ेंगे, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिरी का 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, तुमने बताया या तो बराबर रहे या फिर इससे कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 3 सते 21, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और 17 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग भाग करना सीखेंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, आप लोग मेरे चैनल भारतीय टीचिंग को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।